क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र वर्मा के साथ जिलाधिकारी आगरा प्रभु नारायण सिंह फतेहाबाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर पहुंचे, जहां उन्होंने टोल प्लाजा पर चल रही खाने पीने की व्यवस्था को परखा। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी मजदूर पैदल ना जाए, सभी मजदूरों को बसों में भेजने की व्यवस्था की गई है। बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। फतेहाबाद टोल प्लाजा पर इनको प्रशासन द्वारा बसों में बिठाकर भिजवाने की व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था को परखने के लिए क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र वर्मा के साथ जिला अधिकारी प्रभु नारायण सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं को परखा। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन द्वारा आगरा से प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए ट्रेन लगाई गई है, जिनके द्वारा मजदूरों को अपने अपने घर सुरक्षित वापसी कराई जा रही है। किसी भी प्रवासी मजदूर को पैदल जाने नहीं दिया जा रहा। वहीं क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र वर्मा ने कहा कि जिलाधिकारी ने टोल प्लाजा पर समाजसेवी द्वारा लगाई जा रही भोजन व्यवस्था को भी देखा, साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में जुटे समाजसेवियों की सराहना की। इस दौरान जिलाधिकारी ने अपने हाथों से भी मजदूरों को खाद्य सामग्री बांटी। इस दौरान एसपी पूर्वी प्रमोद कुमार, एसटीएम फतेहाबाद एम अंदरून मोली, क्षेत्राधिकारी प्रभात कुमार समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आप निरंतर देख रहे हैं, जिस दिन से भी प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ से निकलना शुरू हुए, उसी दिन से हम लोगों ने पूरी व्यवस्था कर रखी है और आगे भी जब तक जनजीवन सामान्य नहीं हो जाता, जब तक लोगों को सही व्यवस्था नहीं मिल जाती, तब तक भी हमारा कार्यक्रम जारी रहता है। आज जिलाधिकारी महोदय भी आए थे, उन्होंने भी देखा, बड़ा आप सुधी समझ रहे थे, सराहना की है हमारे सभी काम। तो प्रवासी मजदूरों को पहुँचाने के लिए केंद्र सरकार ने बोला कि हर जगह 200 बसें लगाई जाए, तो देखिए देखिए वहाँ भी लगी हुई हैं, आगरा में भी बसें लगी हैं, यहाँ से भी हमारे जो यहाँ के हमारे SDM महोदय हैं, CO साहब हैं, क्षेत्राधिकारी हैं, बराबर निरंतर लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं दो चारों को हर बस में बैठा देते हैं, और जब ज़्यादा हो जाती हैं तो यहाँ से बसें भी हम लोग लगवाने का काम करते हैं। पूरे शासन प्रशासन के तालमेल बैठा के यहाँ से पूरी हम सारी व्यवस्था कराने का काम। आने वाले प्रवासी मजदूरों को कपड़े और सारी चीज़ें भी चल रही हैं। देखिए, कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं और कुछ लोग 4-6-8 दिन से निकले हुए हैं अपने वहाँ से, कहीं किसी को जूते नहीं है, किसी कपड़े नहीं है, किसी बच्चे को परेशानी, हम लोग वो भी मुहैया कराने का काम।